गाइस सॉरी इट्स बिन लॉन्ग कि हम लोग ये कंटिन्यू नहीं कर पाए इसके साथ. सो हमारा ये वाला जो चैप्टर है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस विच इज़ द चैप्टर 5, इसका आप हमारा सिर्फ एक लास्ट पोर्शन बचा है, दैट इज़ द एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट इन दी बुलियन इंटरप्रिटेशन. तो देखिए अभी तक हमने जो ए ई आई ओ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस वगैरह पढ़े हैं ये सारे जो है वो है एरिस्टोटलियन या क्लासिक ट्रेडिशनल लॉजिक को बिलोंग करते हैं. ऐसा ही एक मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस का जिसको दिया है जॉर्ज बूल ने. ही वॉज एन इंग्लिश लॉजिशियन. सो इसीलिए इसको कहा जाता है बूलियन इंटरप्रिटेशन बिकॉज इट वॉज गिवन बाय जॉर्ज बूल. तो एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट बहुत ही सिंपल सा है, बस हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारे कोर्स में यहाँ पे. एंड इसके पहले के सारे वीडियोज आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड ऑन माई चैनल डीमिस्टिफाई, सो यू कैन गो एंड चेक आउट. तो ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बूल कहते हैं. वट वी बेसिकली हैव टू अंडरस्टैंड इज वॉट इज एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट. सो हम यहाँ डेफिनेशन से देखते हैं. एंड एट्रीब्यूट ऑफ दोज प्रोपोजिशन दैट नॉर्मली असर्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सम स्पेसिफिक काइंड. तो बुलियन इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग आई एंड ओ प्रोपोजिशन में एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट होता है. मतलब जब हम कहते हैं सम एस इज पी या सम एस इज नॉट पी, इसका मतलब जो हमारे पास क्लास है एस क्लास या पी क्लास है उसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसीलिए उसको एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट कहा जाता है कि येस आई एंड ओ प्रोपोजिशन डू हैव एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट बिकॉज देर आर सम ऑब्जेक्ट्स दैट आर एग्जिस्टिंग. अब ए एंड ई यानी जब हम यूनिवर्सल प्रोपोजिशन की बात करें, पर्टिकुलर में तो हमने देखा दैट येस पर्टिकुलर प्रोपोजिशन हैव एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट नो डाउट एंड हियर. जब हम बात करते हैं यूनिवर्सल प्रोपोजिशन की जैसे ए एंड ई, उसमें हमारे पास दो यू नो हम कह सकते हैं थियोरीज हैं. अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल लॉजिक और द एरिस्टोटलियन लॉजिक ए एंड ई में एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट होता है, और बुलियन इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग ए एंड ई यूनिवर्सल में एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट नहीं होता है. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट इज कि जब किसी क्लास में कोई ऑब्जेक्ट्स है, जैसे हम कह रहे हैं कि सम एस इज पी, यानी एस के अंदर एस जो हम क्लास जो सब्जेक्ट बोल रहे हैं उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स है. इफ वी से दैट सम ह्यूमंस आर मेन, तो ह्यूमंस एक्चुअली मतलब या फिर सम फॉर एग्जाम्पल सम मेल्स आर नॉट ह्यूमन. तो जब हम बोलते हैं दैट नॉट ह्यूमन, तो ह्यूमन में कोई ऑब्जेक्ट्स है, मतलब ह्यूमन्स कुछ है. ओके दैट क्लास इज नॉट एम्प्टी. तो इसीलिए दिस इज वॉट इज एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट अबाउट एंड दिस इज द बूलियन इंटरप्रिटेशन. ठीक है, इसका अगर हम यू नो समझें, लेट्स यू नो राइट इसका वॉट द डेफिनेशन इज, जस्ट गिव मी अ मिनट. सो मैं एक बार आपको बोल के समझाती हूँ, ओके, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट दिस बूलियन इंटरप्रिटेशन इज. अकॉर्डिंग टू बूलियन व्हेन द सब्जेक्ट इज एम्प्टी इट इज डिफिकल्ट टू नो ट्रूथ एंड फॉल्सिटी. व्हेन द सब्जेक्ट इज एम्प्टी ए एंड ई कैन बी ट्रू टुगेदर एंड आर नॉट कॉन्ट्ररीज. आई एंड ओ कैन बी फॉल्स एंड फॉल्स टुगेदर आर नॉट सब कॉन्ट्ररीज. ऑल्सो ए एंड आई and E and O are not subaltern to each other. So only the relation between the contradictories are sustainable. So Boolean interpretation kya hai? Modern interpretation, which was given by George Boole. He was an English, logician. Aur inka existential import ka kehna yahi hai ki according to the existential import, A doesn't, jaise A ki jo subject class, A and E that are the universal propositions, do not have existential import. While I and E have. Let's read this. Categorical propositions are the building blocks of arguments and our aim throughout is to analyze and evaluate arguments. To do this, we must be able to diagram and symbolize the A, E, I and O propositions. But before we can do that, we must confront and resolve a deep logical problem, one that has been a source of controversy for literally thousands of years. The issues here are, as we shall see, are far from simple, but the analysis of syllogisms in this text do not require the complications of this controversy be mastered. It does require that the interpretation of categorical propositions that emerges from the resolution of the controversy be understood. This is commonly called the Boolean interpretation of categorical proposition. Okay. Now, a proposition is said to have existential import if it typically is uttered to assert the existence of objects of some kind. मतलब उस क्लास के अंदर अगर कुछ है, कुछ ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली इन यू नो एग्जिस्ट करते हैं, तो
उस प्रोपोजिशन में एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट होता है. ओके, नाउ वी बिगिन विद आई एंड ओ प्रोपोजिशन विच श्योरली डू हैव एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट. दस द आई प्रोपोजिशन सम सोल्जर्स आर हीरो सेज देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सोल्जर हु इज अ हीरो. तो कम से कम एक ऐसा सोल्जर तो है ही सही जो हीरो है. तो यानी जब हम सोल्जर क्लास की बात करें तो उसमें एक सोल्जर है कम से कम और हीरोज है, वो हीरो है. दियो प्रोपोजिशन सम डॉग्स आर नॉट कंपेनियंस, मतलब कम से कम एक ऐसा डॉग तो है जो कि कंपेनियन नहीं है. यहाँ पे हम विथ सर्टेनिटी इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि जो डॉग या सोल्जर की क्लास की बात करें उसमें कम से कम एट लीस्ट एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है. उससे ज़्यादा हो सकते हैं, उससे कम नहीं हो सकते. दैट इट एट लीस्ट हैज़ वन मेंबर. If this is so, however, if I and O propositions have existential import, wherein lies the problem? The problem arises from the consequences. Earlier we हमने देखा था जो traditional square of opposition में कि अगर you know I and A, यानी the affirmatives and the negatives, यानी affirmative का जो pair है वो and the second pair the negatives का, यानी E and O, these are subalterns. इनके बीच का रिलेशन होता है सबऑर्डिनेशन. दैट मीन्स टू सम एक्सटेंट टू सम लिमिटेशन. फॉर एग्जांपल इफ आई इज ट्रू तो आई से हम लोग यू नो निकाल सकते हैं कि ए इज ऑल्सो सॉरी इफ ए इज ट्रू तो ए से निकाल सकते हैं दैट आई इज ऑल्सो ट्रू समवेयर, क्योंकि यूनिवर्सल से प्रोपोजिशन में हम जा सकते हैं. ओके, दैट इज फ्रॉम ऑल स्पाइडर्स आर एट लेग्ड एनिमल्स वी इन्फर दैट सम स्पाइडर्स आर एट लेग्ड एनिमल्स. ये हम कह सकते हैं कि अगर हम कहते हैं कि यार सारे ऑल ह्यूमंस हैव टू लेग्स तो वी कैन से दैट सम ह्यूमंस हैव टू लेग्स, दिस इज नॉट रॉन्ग. ओके, सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि यू नो ई एंड ई ओ प्रोपोजिशन के बारे में भी कह सकते हैं. ओके, नाउ But if I and O propositions have existential import and they follow validity from their corresponding A and E propositions, then A and E propositions must also have existential import, because a proposition with existential import cannot be derived validly from another that does not have such import. तो अब हम कहते हैं कि अगर I and O जो है उनके पास existential import है और वो A and E से derive हो रहा है तो A and E के पास भी होना चाहिए. This consequence creates a very serious problem. How? We know that A and O propositions on the traditional square of opposition are contradictories. So all Danes speak English is contradicted by some Danes do not speak English. So contradictories दोनों true नहीं हो सकते, दोनों false नहीं हो सकते. अगर एक true है तो दूसरे को false होना पड़ेगा, अगर एक false है तो दूसरे को true होना पड़ेगा. ओके, तो अगर करेस्पॉन्डिंग ए एंड ओ प्रोपोजिशंस डू हैव एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट एज वी कंक्लूडेड इन द पैराग्राफ जस्ट अबव द बोथ कॉन्ट्रडिक्टरीज कुड बी फॉल्स. तो अगर हम कहें कि दोनों के पास एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट है तो फिर वो दोनों तो ट्रू हो सकते हैं या दोनों फॉल्स हो सकते हैं. तो ऐसे में कॉन्ट्रडिक्टरीज कैसे रहेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रडिक्टरीज में एक ट्रू या और एक फॉल्स होना चाहिए. तो इस वजह से जैसे कि ऑल इनहैबिटेंट्स ऑफ मार्स आर ब्लॉन्ड and its corresponding O proposition is some inhabitants of Mars are not blonde are contradictories. So if they have existential import, that is agar hum aisa kahe that there are inhabitants of Mars, then both these propositions are false if Mars has no inhabitants. To agar Mars ke paas koi inhabitants honge hi nahi to A bhi false ho jayega, O bhi false ho jayega, kyunki Mars pe inhabitants hi nahi hai to wo blonde nahi bhi ho sakte aur blonde ho bhi sakte hain, kyunki matlab wo blonde kaise honge या कैसे नहीं होंगे, क्योंकि इनहैबिटेंट्स ही नहीं है तो ब्लॉन्ड की तो बात ही नहीं आती है. तो दोनों फॉल्स हो जाएंगे, और अगर दोनों फॉल्स हो गए तो ए एंड ओ कॉन्ट्रडिक्टरीज है, वो दोनों फॉल्स हो ही नहीं सकते. यहां पर जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम अराइज होती है, और इस वजह से यू नो हम कहते हैं कि ए एंड ई के पास एग्जिस्टेंशियल इम्पोर्ट नहीं है इन द बूलियन इंटरप्रिटेशन, एंड आई और ओ के पास है. तो I and O have existential import, A and E do not have existential import. इस तरीके से उनका जो traditional square of opposition है that remains intact. उसमें कोई problem नहीं आती है. So this is just the theory part. The exercises I don't think are in our syllabus. मतलब हमारे जो you know semester 1 के syllabus में there are no you know exercises for this. This is just the theory part. And with this हमारा chapter 5 categorical proposition ends here. Thank you.